आज के टाइम कुछ बदमाश लोग आए थे यहाँ पे गाइज। हेलो गाइज, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज हम राइड कर रहे हैं। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि आप काफ़ी समय से राइड नहीं कर रहे हो। आज हम राइड कर रहे हैं, ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। सो हम कोई ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, कोई 10-5 किलोमीटर के एरिया में घूमने वाले हैं। सो गाइज, चलते हैं आज हम खेतों की तरफ। वहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं कि हमारे खेतों पर काफ़ी समय से कोई 100-200 साल से कोई काफ़ी समय से वहाँ पे कोई पीर बाबा की तुरबत बनी हुई है। सो वहाँ पे कुछ बदमाशों ने अटैक कर दिया था। वहाँ पे जो पेड़ खड़ा हुआ था, उस पेड़ के ऊपर कुछ बदमाशों ने अटैक कर दिया था। उसको काटने की फिराक में थे, तो उसको आधा पेड़ तो काट दिया था उन्होंने और आधा बाकी रह गया था। तो हमने वो वहीं पर रुकवा दिया था। तो हम जा रहे हैं वहाँ पर, देख आपको दिखाऊँगा कि वो पेड़ किस तरह काट दिया था और वो कितने साल पुराना है पीर बाबा का मजार। सुबह है, जम जा रहे हैं सीधे वहीं पे। सो आपको लिए चलते हैं। अभी हम ऑफ रोड पर जा रहे हैं। तो गाइस, जब ये रोड जो है काफ़ी मिट्टी हमारे घर की काफ़ी पक्की है। सो यहाँ पे बरसातों में काफ़ी ज़्यादा फिसलन हो जाती है, गाड़ी चलती भी नहीं बरसात में, क्योंकि चिकनी मिट्टी है, फिसल के गिर जाती है गाड़ी। सो हम जो पिछली बार यहाँ पर आए तो बरसात में ही आए थे, और हमारा जो खेतों पर जाने का रास्ता है वो मेन रोड से भी होके जाता है, लेकिन हम ऑफ रोड से जा रहे हैं। सो बने रहे ऐसे ही। सो हम अब पहुंच चुके हैं, लगभग 500 मीटर और रह गए हमसे। सो गाइस, हम आपको बताना चाहेंगे कि वो जो मज़ार है हमारे वहाँ पे पीर बाबा का, वो काफ़ी समय पहले है। जब मैं छोटा सा था तब से उसको देखता आ रहा हूँ, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे उनसे पहले उनके समय का ही है वो। ये तो मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है कि कब का है, लेकिन काफ़ी पुराना है। सो हम वहीं पे आपको दिखाएंगे और ले चलते हैं। सो गाइस, अभी हमारा ये सामने आप देख सकते हो ये मेन रोड आ गया है। ये घूम के आता है उधर, 3-4 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ता है, लेकिन अगर हम ऑफ रोड से आते हैं तो हमें एक या 1.5 किलोमीटर ही पड़ जाता है। तो अभी हम मेन रोड पर पहुँच चुके हैं। सो आप देख सकते हो कि मेन रोड है तो सिंगल ही, लेकिन काफ़ी अच्छा और पक्का बढ़िया रोड बना हुआ है हमारे इधर। और ये इधर आप देख सकते हो मेरे लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हो, ये सब जमुना नदी है, और हमारे खेत भी पास में ही रह गए हैं। ये जमुना नदी है इधर लेफ्ट साइड में सब, और ये जमुना का इसमें थोड़ा 500 मीटर अंदर चलने के बाद पानी और जमुना नदी ये दिखाई देगी आपको। बाकी आगे खेत वगैरह कुछ नहीं है, सब चलता पानी है आगे। सो गाइस, हम लगभग पहुंचने वाले हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी अब राइड वीडियो जल्दी जल्दी आती रहेंगी, और आप थोड़ा सब्सक्राइब और शेयर कमेंट किया करें वीडियो को, तो अच्छा लगता है। और ये आप देख सकते हो हमारा खेत आ चुका है, खेतों पे पहुँच चुके हैं। सो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये सब हमारे खेत हैं, और ये हरी हरी फसल खड़ी है, फिलहाल गेहूं की फसल खड़ी है, और हम पहुंच चुके हैं। और हम अब आपको दिखाते हैं कि ये जो हमारे पीर बाबा आ चुके हैं, और ये हमने थोड़ा इधर ही आप देख सकते हो व्यू इधर का, ये सब हमारे खेत ही हैं इधर, और ये इधर भी। सो ये वो मज़ार है जो हम आपको बता रहे थे काफ़ी सालों से यहाँ पे है। एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है कब का है, लेकिन कुछ यहाँ पे 1900 कुछ शायद 91 से कुछ लिखा हुआ है, क्या सिस्टम है ये मेरे को सही। आप देख सकते हो यहाँ पे मिट चुका है, ये काफ़ी समय से है यहाँ, जब से हम लगभग 20-22 साल से तो हम ही देख रहे हैं। सो काफ़ी पुराना है ये, और उधर पीर बाबा यहाँ पे दफन है, आप देख सकते हो काफ़ी पुराना है, ये देख सकते हो यहाँ पे। और ये अभी इसकी सफाई वगैरह भी नहीं हो रखी है, अभी ऐसे ही खड़ा है, तो इसकी सफाई वगैरह भी कराएंगे। सो आप देख सकते हो ये हमारी जो खेतों में टपरी होती है, टपरी है, और ये कोई मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है कितने साल पुराना हो गया, 91 से कुछ लिखा हुआ था, तो वो तो अभी मिट गया, क्या सिस्टम है सही से लिखा हुआ भी नहीं अभी दिख रहा है कितने साल का। सो अभी गेहूं की खेती आप देख सकते हो हरी भरी खड़ी है,
सो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है जंगलों में घूमने का गाइज, इधर हरी भरी हवा, अच्छी हवा, शुद्ध हवा लेने का आनंद ही कुछ और आता है। सो हम तो आ जाते हैं कभी कभी घूमने के लिए खेतों पे ठंडी हवा खाने के लिए। सो आप देख सकते हो जंगलों में अगर आप घूमते हो तो आप समझ ही सकते हो कितना अच्छा व्यू आता है और कितना मस्त मज़ा आता है। ये हमारी बाइक है। सो ये भी कोई हमने धुलाई इसकी लगभग 15-20 दिन हो गए हमने धुलाई नहीं कराई, काफ़ी गंदी हो रखी है बाइक। सो गाइस जी हमने आपसे दिखा दिया, अब आप ही चलते हैं। और हाँ एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गया, कुछ रात के टाइम कुछ बदमाश लोग आए थे यहाँ पे गाइज, और ये जो पेड़ है पीर बाबा का, इसको काटने के लिए उन्होंने कुल्हाड़ी से काटना शुरू कर दिया। सो हम यहाँ पे फिर पहुँचे और मैं परली साइड से आपको दिखाता हूँ किस तरह ये बदमाशों ने इसको काटा है। ये आप देख सकते हो, ये कोई 2 महीने पुरानी बात हो गई, बदमाश इसको जड़ से काटने की पूरी फिराक में थे, ये पूरा उखाड़ दिया था, देख सकते हो आप इधर भी उधर भी और परली साइड भी। सो हमने इसको रात में आके रुकवाना पड़ा, हमने पता लग गया कि कोई इसको काटने के लिए आ रहा है। शाम का टाइम था, कोई 8-9 बजे हुए थे। सो एक बंदा यहीं पे खेतों में कोई काम कर रहा था, उसने बताया कि पीर बाबा का कोई पेड़ काट रहा है। सो हमने पता लगा तो उस बदमाशों को दबोचा, समय पे आने के हमने बदमाशों को दबोच लिया और उनको बताया कि छोड़ दिया हमने उनको, वार्निंग दे के कि आगे से मतलब ऐसा मत करना नहीं तो आगे से आपको केस कर देंगे आपके ऊपर। सो गाइज आप देख सकते हो, तो हम चलते हैं अब यहाँ से खेतों से चलते हैं हम सीधा घर की तरफ। सो गाइज क्योंकि हमारा जो रोड कट है वो थोड़ा पीछे रहेगा, ये हमारा ऑफ रोड कट आ चुका है गाइस। फेल हो रहा है, है ना, 6 मीटर का तार अट रखा है, ये काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड पकड़ ली थी गाइस। जो ऑफ रोड हमारे यहाँ काफ़ी पक्का है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।